पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी विवाद, महंत रामगिरी पर 67 के सीएम सिंधे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग, हाईकोर्ट ने फटकारा। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर नहीं बनी बात, नाना पटोले और संजय राउत में हुई तीखी बहस। महाराष्ट्र की 14 सीटों पर चुनाव में हुआ वोट जिहाद, हिंदुत्व जगाने का समय, देवेंद्र फडणवीस। छात्रों की यूनिफॉर्म पर छिड़ा सियासी संग्राम, ठाकरे शरद पवार गुट ने सिंधे सरकार को घेरा। मानहानि केस में राहुल गांधी को नासिक कोर्ट का समन, सावरकर पर की थी टिप्पणी। महाराष्ट्र में एक पार्टी के दम पर सरकार नहीं बन सकती, अमित शाह के आत्मनिर्भरता वाले बयान पर अजीत पवार ने कहा। मुंबई में छात्रा से दुष्कर्म मामले में नायर अस्पताल के डीन पर गिरी गाज, सीएम सिंधे ने दिया तबादले का आदेश। महाराष्ट्र के युवाओं को मिलेगा महावितरण में नौकरी करने का मौका, विभाग ने शुरू की भर्तियां। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले की उद्धव ठाकरे को चुनौती, बोले किसी भी सीट से लड़ के दिखाएंगे चुनाव। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा, पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र। आखिरी सांस तक हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा, सीएम सिंधे बोले मेरे लिए हिंदू एकता महत्वपूर्ण। अन्य क्षेत्रों में सब्सिडी भुगतान को प्रभावित करेगी लाड़की बहन योजना, नितिन गडकरी ने जताई चिंता। महाराष्ट्र में लव जिहाद की गहरी साजिश, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा दावा। राजस्थान मध्य प्रदेश का हीट फॉर्मूला, महाराष्ट्र में भिड़ाएगी भाजपा, लिफाफे से होगा कैंडिडेट का चुनाव। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को उनके ही रिवॉल्वर से गोली लग गई, घटना आज सुबह की है। अभिनेता को अंधेरी स्थित क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक अभिनेता की हालत स्थिर है। सूत्रों के अनुसार गोविंदा अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे और उसी दौरान मिस फायरिंग के चलते गोली लगी। मुंबई पुलिस ने उनकी रिवॉल्वर जब्त कर ली है। पुलिस ने बताया कि 60 वर्षीय गोविंदा घटना के समय अपने जुहू स्थित घर पर अकेले थे, वह एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। अधिकारियों ने बताया कि गोविंदा के पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। डीसीपी दीक्षित गिडाम ने बताया कि एक्टर के पैर से एक गोली निकाल ली गई है और वह खतरे से बाहर हैं। इस संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, न मामले में कुछ संदिग्ध है। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद एक्टर के पैर से काफ़ी खून बह गया था। अस्पताल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शुरुआती उपचार के बाद गोविंदा अब खतरे से बाहर है। अस्पताल में एक्टर के साथ उनकी पत्नी सुनीता मौजूद है। गोविंदा कोलकाता में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाने वाले थे। अभिनेता के मैनेजर शशि सिन्हा ने यह जानकारी दी है। उनकी 6 बजे की फ्लाइट थी। उन्होंने बताया कि अलमारी में पिस्तौल रखते हुए मिस फायरिंग हुई और अभिनेता के घुटने के नीचे गोली लग गई।